आप बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। दूसरी चीज, अपने उम्र से ज्यादा लोगों को सुनना शुरू करिए जो आप सुमन में ज्यादा हो, जैसे आपके चाचा काका नाना नानी मौसा मौसी कुछ भी, उनके पास थोड़ा बैठिए, उनसे थोड़ा बातचीत करिए। या गांव नेता टाइप का व्यक्ति हो तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, आपका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। लड़कियां अगर अपना सेल्फ डेवलप करना चाहती हैं, और सबसे बेहतर जो आप पढ़ने आते हैं तो अपने टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, एक घंटे दो घंटे का, थोड़ा टीचर से क्लोज होइए, टीचर का ध्यान रखिए, वो अपने आप इतनी सारी चीजें आपको बता देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। और आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। अच्छा सोचो, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रो करेंगे सभी बच्चे ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो उनसे अलग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जो सब अगर हम वो करेंगे तो जैसा सब बन रहे हैं, जो सब करें वही तो हम कर पाएंगे, वही तो हम बन पाएंगे। अगर अलग बनना तो अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं अलग सोचना पड़ेगा, नहीं अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, नहीं अगर आपको भीड़ से अलग जीना है भीड़ से अलग करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पहाड़ जो होता है वो आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकता, तो छोटे से जूते में बड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ताकि आप जूते में बड़े छोटे से कंकर को अंदर डाल के चले, चलिए आप मेरी को निकले फिर हम पहाड़ भी चढ़ देंगे, है ना। तो छोटी छोटी चीजों से ऐसे ही प्रभाव पड़ता है। सब लोग हमारे साथ फूड करना, ओके देखो एक हो गया, इसी को ऐसे साथ लेते हैं, आप जितना भी बना लिए हो इसको ऐसे कोने में लगा के ऐसे, दो हो गया है ना, आठ बार से बोले ना, आठ बार से ज्यादा कोई भी पेपर, यहाँ पे कम से कम 50 पेपर होगा ना, कोई भी अगर आठ से ज्यादा फोल्ड कर देगा तो बताएगा, ठीक ना। दो हो गया और ये तीन हो गया है ना, और ये चार हो गया, कहीं आठ बार हो गया तो हमें तो होता नहीं, आठ बार भी हो सकता है, तीन चार हुआ ना जी, चार अरे पांच है ना, पांच हो गया, अभी ये छह हो गया, अभी सात बहुत मुश्किल से सात किसका हो गया, सब लोग किए हाथ में पेपर लिए, आठ बार हो गया, बहुत मुश्किल आठ बार से जानते नहीं हो सकता, आठ बार हो सकता है, आठ से ज्यादा नहीं हो सकता, हमारा साथ यार बच्चे नीचे बैठ जाएगा, इसके बाद में दो मिनट आदमी